साउथ अफ्रीकन प्ले बॉय मॉडल कैंडिस बाउचर अब बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं प्रशांत चड्ढा की फिल्म अजान से। वैसे इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था और कहा जाता है कि कैंडिस के परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। शाहिद और सोनम कपूर उनकी अपकमिंग फिल्म मौसम का प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हाल ही में ये दोनों आ पहुंचे जी टीवी के शो सारेगामा पा लिटिल चैंप्स के सेट्स पर, जहां इन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। कहा जा रहा है कि सलमान खान की अपकमिंग जंगल एडवेंचर शेर खान में उनके ऑपोजिट बिकिनी बेब एंजेला जॉनसन को कास्ट किया जा सकता है। वैसे सलमान चाहते हैं कि इस फिल्म में उनके साथ कोई फ्रेश फेस नजर आए और एंजेला इस रोल की टॉप कंटेंडर है। लगता है दीपिका पादुकोण इन दिनों धार्मिक यात्रा पर निकल चुकी हैं। इसीलिए तो कुछ दिन पहले दीपिका को अजमेर के दरगाह पे चादर चढ़ाते हुए देखा गया और अब दीपिका रिसेंटली पहुंची अमृतसर के गोल्डन टेंपल। यहां दीपिका उनकी मॉम के साथ मन्नत मांगने आई थी। शाहिद कपूर की फिल्म मौसम की मार्केटिंग टीम ने इस फिल्म को प्रमोट करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। शाहिद अब एक दिन के लिए इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करेंगे और वेदर फोरकास्ट के ट्रिक्स देंगे। विनय पाठक रिसेंटली नजर आए उनकी अपकमिंग फिल्म तेरे मेरे फेरे के प्रमोशनल इवेंट में। यहां विनय ने मीडिया को बताया कि वो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने फिल्म की डायरेक्टर दीपा साहिर की बहुत तारीफ भी की।